ऑनलाइन सुनवाई में अधिकांश मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में फरियादियों की 4 माह से ऑनलाइन सुनवाई कर रही हैं। हर पीड़ित की बात सुन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार प्रतिदिन ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं। थाने चौकी पर समस्या का समाधान न होने पर फरियादी डीसीपी वेस्ट के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे फरियादियों की डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार ऑनलाइन सुनवाई कर समस्या का समाधान कर रही हैं। डीसीपी सोनम कुमार ने 4 माह पूर्व ऑनलाइन सुनवाई की शुरुआत की थी। अब तक की गई 1000 मामलों में अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। लगभग 4 महीने पहले ये ऑनलाइन जन सुनवाई की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें ACPs और SHOs को साथ में जोड़ा जाता है गूगल मीट पर 10 बजे से 1 बजे तक। इसमें लगभग 1000 से भी अधिक मामले आ चुके हैं अभी तक इस प्रक्रिया में, और 90% से भी अधिक का निस्तारण हम लोग करा चुके हैं। जो बचे हैं मामले और वीकली इसका निकाला जा रहा है कि किस थाने की सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है, किस सर्कल की सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है। जैसे इस हफ्ते में मलपुरा थाने की पेंडेंसी ज़्यादा थी और अश्विनी सर्कल की, तो उनके लिए अलग से ACPs को निर्देश भी दिए गए हैं कि इसकी समीक्षा करें और त्वरित निस्तारण इन सभी मामलों का कराया जाए। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार ऑनलाइन समस्या सुनने के बाद पोर्टल पर प्रार्थना पत्र सबूत के तौर पर वीडियोस ऑडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही फोन कर ACP थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस वजह से पीड़ित की समस्या का समाधान हो रहा है। डीसीपी वेस्ट समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि किस मामले में क्या कार्यवाही की गई है। देखिए, हर तरह के ही मामले हैं, पारिवारिक विवाद भी होते हैं, जमीन संबंधी मामले भी होते हैं, महिला संबंधी अपराध भी होते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर फ्रॉड भी काफ़ी आ रहा है हमारे पास, उसके लिए अलग से साइबर सेल को लिखा जाता है और इसकी वर्कशॉप भी कराई गई थी कुछ समय पहले CPSR द्वारा। तो उसके हिसाब से हम लोग इन मामलों को भी सीरियसली देख रहे हैं और इनका भी निस्तारण करा रहे हैं। उसमें एक पोर्टल हमने विकसित किया है, उसमें हम लोग ये सारा अपलोड करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन है उसके साथ जो भी ऑडियो रहता है, फाइल वीडियो अगर कोई होता है व्हाट्सएप वीडियो, वो भी उसमें अपलोड किया जाता है। और जब तक थाने की आख्या नहीं आती उसे पेंडेंसी में रखा जाता है, उसमें स्टार्ट डेट और ड्यू डेट सब कुछ मेंशन किया जाता है और उसके हिसाब से ही समय अवधि के अंदर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है। 4 माह से की जा रही ऑनलाइन सुनवाई में सबसे अधिक मामले मलपुरा थाने से आए हैं। इस पर DCP वेस्ट ने नाराजगी जताई। ऑनलाइन सुनवाई में जमीन पारिवारिक विवाद के साथ अन्य मामले भी आ रहे हैं। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सर्किल के ACP थाना प्रभारी मौजूद रहे। पीड़ित की बात DCP वेस्ट सुनकर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।